जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्मार्ट नौकरी चैनल में। बात करेंगे आज हम देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण और काम की खबरें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाइव आकर देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन खत्म होने के बारे में कहा विशेष बात। जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र सरकार में। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार एक बड़ा फैसला लेते हुए महाराष्ट्र में लॉकडाउन खत्म करने को कहा है। जानेंगे इस बारे में भी विस्तार से। साथ ही आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए दी एक बड़ी राहत की खबर। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे बाबा रामदेव पर लगा है 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का केस। जानेंगे इस बारे में भी विस्तार से। बाबा रामदेव की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। जानेंगे इस बारे में भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर सोशल मीडिया गाइडलाइंस पर। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक दिन कुछ दिन पहले ही जो है ट्विटर पर एक बयान दर्ज किया गया था संबित पात्रा द्वारा। संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने कुछ पोस्ट किया था जिसको लेकर ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया। इसका मतलब यह होता है कि यह गुमराह किया जा रहा है, जिसकी वजह से उसके बाद से ही जो है देश में अब सोशल मीडिया को बैन करने की जो बात है वो शुरू हो चुकी है। तो अभी कहां तक सच्चाई है इसमें, इस बात की आप खुद समझ सकते हैं कि आखिरकार सरकार से जब भी सरकार के खिलाफ कोई भी चीज अगर कोई कहता है तो उसको लेकर सरकार इतनी ज्यादा सख्त क्यों हो जाती है। व्हाट्सएप ने कहा कि गाइडलाइंस प्राइवेसी का उल्लंघन, तो केंद्र का जवाब आया कि इससे यूजर पर असर नहीं होगा, कंपनी का रवैया गलत है, सरकार के फैसले से लोगों की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से सरकार ने जो नियम लागू किए हैं उससे व्हाट्सएप पर चैटिंग पर जो भी आप करते हैं आपकी निजता का अधिकार का उल्लंघन होगा। यानी किसने कब कौन सा पोस्ट किया इसकी जानकारी सरकार तक पहुंच जाएगी। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है इस बारे में आप विचार कर सकते हैं खुद ही। चलिए चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में पीपीई किट का डिस्पोजल घोटाला। जी हाँ दोस्तों, अभी कोरोना खत्म हुआ नहीं कि बीजेपी शासित एक राज्य से जो बड़ी अपडेट आ रही है कि पीपी डिस्पोजल का भी घोटाला आ गया। जिस बायो वेस्ट प्लांट को पीपी किट को नष्ट करने का जिम्मा, वह इसमें गर्म पानी से धोकर सतना भोपाल के खुले बाजार में बेच रहा था। इस हद तक लोग गिर रहे हैं कि इस आपदा के अवसर में। जी हाँ दोस्तों, अवसर की तलाश में लोग जारी हैं कि जिस डिस्पोजल, जिसे पीपी किट को एक बार यूज करने के बाद थ्रो करना यानी फेंक देना चाहिए, उसमें गर्म पानी से धोकर वही दोबारा यूज करने के लिए दिया जा रहा है। ये बड़ा घोटाला सामने आया है मध्य प्रदेश में। चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, बंगाल में यास का तूफान लगातार बढ़ता जा रहा है। बंगाल में 3 लाख घर उजड़ चुके हैं, 1 करोड़ लोग प्रभावित हैं। अब उड़ीसा में बारिश और तूफानी हवाओं का असर लगातार। इस समय देश भर में कोरोना की महामारी थी, इसके पहले ताउते तूफान का कहर था जो 7 राज्यों में था, और अब जो दूसरा तूफान आया है वो है चक्रवात यास, और इसका असर बंगाल में हो चुका है। 3 लाख लोगों के घर उजाड़ दिए, कई पेड़ उखड़ गए, कई लोगों की जिंदगी जी हाँ दोस्तों खरबार हो गई इस भयंकर चपेट की वजह से। कई नावें ऐसी थी जो इस भयंकर चपेट में आने से डूब गई, जिससे कई लोगों के जो है रोजगार छीन चुके। तो चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ। यूपी पुलिस की बर्बरता की 3 कहानी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में। मास्क नहीं पहनने पर बरेली के युवक के हाथ पैर में कीले ठोकी, मऊ में पीटते हुए थाने ले गए। रायबरेली में 5 युवकों को रात भर पीटा। आप अंदाजा लगा लीजिए, किसी व्यक्ति ने अगर मास्क नहीं पहना तो सरकारी नियम के अनुसार उससे जो भी दंड होगा आप उससे वसूल सकते हैं। लेकिन ये कहाँ की रणनीति है कि आप मास्क नहीं पहनने पर युवक के हाथ पांव में कीले ठुकवा दें। जी हाँ दोस्तों, ये तो तानाशाही की सरकार नजर आ रही है। मऊ में पीटते पीटते थाने ले गए, ये कहाँ की बदतमीजी थी। आप देख सकते हैं कि जनता को पीटते पीटते लोगों को ले गए थाने तक। और रायबरेली में तो 5 युवकों को रात भर पीटा सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मास्क नहीं लगाया था। हम इस पक्ष में नहीं कि आप मास्क ना लगाएं, लेकिन मास्क ना लगाने पर पुलिस का ये रवैया बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर सरकार को तुरंत इसका एक्शन लेना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यास के असर से पटना सहित 18 जिलों में बारिश हो चुकी है, राज्य भर में अलर्ट है, 18 स्पेशल ट्रेनें रद्द भी कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं यास तूफान का कहर आपको देखने को मिल सकता है। अब स्पेशल ट्रेनों पर भी अगर आप कहीं जा रहे हैं देश के एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो उसके पहले आप अपने ट्रेनों का संचालन है या नहीं इस बात की पुष्टि कर लें, क्योंकि लगातार ट्रेनों को रद्द करने की बातें निकल कर आ रही है और 18 स्पेशल ट्रेनें आज रद्द कर दी गई हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन को ले रही है बड़ी लापरवाही। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री के जिले में 20 लोगों की पहली डोज कोविशील्ड की लगी, दूसरी कोवैक्सीन की, डॉक्टर बोले हो सकती है परेशानी। लगातार उत्तर प्रदेश से खबरें वायरल हो रही है कि लोगों की जाने जा रही है, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहते हैं कि राज्य में सब कुछ स्थिर है, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, ना ही यहाँ पे लोगों की मृत्यु हो रही है, ना ही लोग यहाँ परेशान है, और यहाँ तीसरी लहर से निपटने के लिए भी सरकार ने पूरी रणनीति बना रखी है। लेकिन जमीनी स्तर पर जब मीडिया कर्मी जाते हैं तो वहाँ कुछ और ही देखने को मिल रहा है। लगातार गंगा घाट के किनारे पर आपने देखा होगा हजारों की संख्या में लोगों की लाशें गाड़ी गई है 1200 किलोमीटर के रेंज में। जी हाँ, गंगा नदी के अंदर कई लाशों को निकाला जा चुका है, जो आंकड़ा 2000 के पार पहुंच चुका है।
चलते हैं हम अपने अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। दुनिया में कोरोना से 2 से 3 गुना अधिक मौतें। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में भारत में 42 लाख लोगों की मौत की आशंका, 70 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित होंगे। जी हाँ दोस्तों, लगातार विदेशी मीडिया में भारत को लेकर इस समय तीखी टिप्पणी लगातार चल रही सरकार के खिलाफ कि आखिरकार सरकार मौतों के आंकड़ों को क्यों छुपा रही है।